बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कसा इनेलो बसपा गठबंधन पर निशाना। इनेलो को बताया डूबता जहाज, कहा जल्दबाजी में हुआ है गठबंधन, कितने दिन साथ रहेंगे पता नहीं। एसवाईएल को लेकर नेता विपक्ष अभय चौटाला ने साधा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना, कहा एसवाईएल पर क्यों नहीं बोलते अहिरवाल के नेता। झज्जर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने विपक्ष पर किया प्रहार, कहा जिन लोगों के लिए विदेश दौरा केवल सैर सपाटे के लिए होता था वही लोग आज सीएम के विदेश दौरे पर उठा रहे हैं सवाल। चौहाना के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते लोगों ने किया रोड जाम, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने खुलवाया जाम। अध्यापकों की कमी से भड़के छात्र छात्राएं, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला, सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। खेत में लगाई गई आग ने पकड़ा तूल, आग फैलने से पशुओं का चारा जला और महिला की मौत, दमकल विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप। सफेदों की नहर में मिला युवक युवती का शव, हत्या कर शवों को नहर में फेंकने की आशंका, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पंचकुला में 10 साल की किशोरी से अश्लील हरकत करने का मामला, दोनों आरोपी किशोरी के गांव के गांववालों ने की आरोपियों की जमकर धुनाई। ब्राह्मण समाज से जुड़े सवाल का मामला, जेई की परीक्षा में पूछा गया था सवाल, ब्राह्मण समाज ने जताया रोष, सरकार को वोट की चोट देने की कही बात। और उत्तर भारत में अगले 2-3 दिन तक मौसम के खराब रहने की चेतावनी, पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा मौसम खराब होने के आसार, मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की दी हिदायत।